स्किप्स जर्मन लैंग्वेज में, जो इनको मेन इनकी जड़ रहने वाली है आगे जाके। अरे बात भाई, मतलब कि लैंग्वेज की कुछ स्किप्स इनको, कि ये कहते हैं कि हम बोल नहीं पाते, बोल क्यों नहीं पाते, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है खुद में। तो आप जैसे बातें करते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे है, तो इनको अगर कॉन्फिडेंस मिल जाए तो ये भी जर्मन जैसी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इनमें है नहीं। तो उसकी कुछ स्किप्स, आपको मोटरबाइक चलाना है पहले पेट्रोल, गाड़ी खड़ी है तो नीचे, तो फर्स्ट थिंग इज आई कैन गिव यू क्विकली सम टिप्स इफ यू वांट अबाउट लैंग्वेज, आई टेल यू, गिव मी 10 मिनट्स, आई टेल यू समथिंग, ओके, आई टेल यू सम स्ट्रेटजी। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट that language is a different language. But what you are doing is you are expecting German to be like English. You are expecting German to be like Hindi. First thing you are forgetting. A new language always means you are learning a different sounds, different grammar, different rhythm of speech, different phrases. Okay? You must be ready to do. You must be open. Number one. Number two, you are learning to get new sounds, new rhythm. जैसे आप पंजाबी बोलते हैं ना, मैं सोच देती हूँ कि मद्रास से चेन्नई से कोई पंजाब आता है ना, वो पहली बार पंजाबी सुनता है ना, तो उसका ऑटो रिक्शा ड्राइवर बोलता है ना, भाई ना, डर डर पता है क्यों चीख रहा है, चला रहा है, अरे वो पंजाबी है, पंजाबी का नाम है तमिल, इज नॉट लाइक तेलुगु, इज नॉट लाइक वो तमिल वाला थे क्या थे तेलुगु सॉन्ग लैंग्वेज। तो इट गेट यूज टू ऑल दिस, ओके। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट दैट इट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, ओके। मैं बोल रहा था प्रपोजिशन, अब लोग क्या बोलते हैं कुछ मुश्किल है जर्मन, अरे मुश्किल है बोलते बैठो, अब मुश्किल ही रहेगा, है ना। अब शादी करके आओगे और बोलोगे अपने बीबी के बारे में, ये तो बहुत परेशान करते, वो परेशान करेगी वो, हाँ वो माँ एक तरफ परेशान करेगी, बीबी दूसरी तरफ करेगी, दोनों अलग तरीके से करेंगे, वो समझ लो। फिर आप बीबी को भी खड़ा था एटीट्यूड के बाद, तो व्हाट इज हैपनिंग इज आई गिव यू एग्जांपल, अमेरिकन स्टूडेंट्स आई एम टीचिंग जर्मन, आई रोट डे आर टू अमेरिकन स्टूडेंट, मुझे बोले सर व्हाट इज दिस डोयर, बोलो डोयर नहीं हो डेयर है, दैट मीन्स इन इंग्लिश द, रियली अमेरिकन स्टूडेंट बहुत सवाल पूछते एनकरेज, देन आई रोट डी, परेशानी बढ़ गई, व्हाट इज दिस डाई, नोबडी इज गोइंग टू डाई इन माय कोर्स, इट इज डी इन जर्मन, व्हाट इज दैट, आई सेड दैट इज आल्सो द, आई रोट डस, व्हाट इज दिस डॉस, आई सेड इट इज डस, दैट इज आल्सो द। इंडियन स्टूडेंट डर जाता है, वो था अरे एक शब्द के लिए तीन सीखना पड़ेगा जर्मन, वो सीखेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा सीखेगा, अमेरिकन ऐसा नहीं है, और बोलते ओ रियली दैट्स फनी, दैट्स क्रेजी, दैट्स वियर्ड, व्हाई डू दे हैव थ्री वर्ड्स, वी हैव ओनली वन, अमेरिकन है, मैं बोला ओके, यू थिंक जर्मन इज फनी, जर्मन इज वियर्ड, यू थिंक इंग्लिश इज नॉट, English is not my language, yes sir. I find English also funny. How oh, you know? Why? I said, I'll tell you. I go to Walmart. I go to the restroom. At the wall, there is a table attached. It's my upper leg, child changing station. You know that? Badiya country. I don't like my child. I come and put my child here and then go. Oh, no, 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 that means you have to change the nappies of the child.
I say, why don't you bloody say traffic changing station? Then I see, I'm in a car going with somebody. It says self-parking. So I said, I'll tell my car, okay? Hey buddy, go park yourself. No, you have to do it yourself. So why don't you say that clearly? Then I said, you send your machine from one city to another city. You call it shipment. You send the same machine from one country to another country, you call it cargo. Why? Share se share shipment ho gaya. Country se country cargo ho gaya. Usko shipment bolna chahiye na. Then, really? Yeah, why? I said, tell me, it's your bloody language. So shut up and learn German. It's not easy. So first accept it. If something, never ask what is it in German. When teacher tells you this is what they say in German, then you say, oh, that is all they say. You learn. Cultures are different. Myself said, even within India, see in the north, you can hug your mother. There's no problem. आप लोगों की आदत है इधर पाव चुन चरण स्पर्श वी डू इधर यह अष्टांग नमस्कार और वी डू यह सर्वांग नमस्कार फुल नमस्कार. तो पहले मैं जब इधर आता था जब लोग चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रहे थे मैं डर गया कि ये मेरी धोती पीछे आ बाद में समझ में आता ठीक है अब मुझे मैं. सो इफ देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन योर लैंग्वेजेस Yeah. If there is a difference, learn it. Then stop thinking in your language, start thinking in German, how do you do it? Pick up, never learn your words separately. Never. जब मैं हिंदी सीख रहा था ना हमको ऐसे ही पढ़ा शब्द मैं सीखा मगर मुझे गाड़ी खरीदना है मगर मेरे पास पैसे नहीं ठीक है समझ लिया. एक दिन मैं जू गया उस जू में गया तो वो किसी चीज को बताया ये मगर है अरे ये क्या मगर कैसे किसे होगा मगर है कब टू नहीं. तो नेवर लर्न योर वर्ड सिंगल लर्न इट इन योर कॉन्टेक्स्ट दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न वर्ड्स जस्ट सिंपल थिंग एंड लर्न द सेंटेंस बाय हार्ट एंड रिपीट इट डोंट कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंस. आपके एक एग्जाम डाडी बनाते हैं डाडी में वो फेमस सेंटेंस है ना ये फिल्म ये बेल्ट नियर सुने ना आपका टीचर क्या हो गया दे आर फिल्म के बेल्ट नियर दिस मीन्स आई लाइक द फिल्म स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग. यू शुड यूज इंडियन लैंग्वेजेस टू टीच दैट सेंटेंस. व्हाई आई लाइक द फिल्म इज डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द फिल्म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अंग्रेजी के द्वारा नहीं पढ़ा हूँ मैं बोलूंगा यह फिल्म गिवन हियर हिंदी में होता है फिल्म मुझे पसंद है सेम थिंग जी जी बोल सम जर्मन टीचर्स आर अशेम्ड टू यूज इंडियन लैंग्वेज. लोग समझते हैं अंग्रेजी के द्वारा या फॉरेन लैंग्वेज रॉन्ग. सो इफ आई टीच यू आई लाइक द फिल्म व्हाट हैपेंस यू नो आफ्टर वन मंथ फर्स्ट मंथली टेस्ट है आपका. Now you will write sentence. Ish, Gavale, Infilim, Genfilim, Desfilim. So good. Because you are thinking in English, pushing it in English. So use the language which you know. Ask yourself, is it in mine? Okay? जैसे हिंदी में मैस्कुलिन फेमिनिन वगैरह होते हैं कितने लिंग होते हैं तीन होते हैं कौन से एक और होता है ना वो क्या है अगर आप इनको पूछेंगे मुझे पूछेंगे हम उस पर आगे बढ़ेंगे. हिंदी में दो लिंग थ्री लिंग बहुत से लिंग होते हैं. अगर आपकी मातृभाषा की जानकारी इतनी है आगे जर्मन इज गॉट थ्री
एंड यू शुड ऑल्सो लर्न ओके जर्मन हैज गॉट 3 हिंदी हैज गॉट 2 ठीक है यू लर्न थ्रू संस्कृत नथिंग रॉन्ग बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ हाउ डू यू फिक्स ए मैस्कुलिन और फेमिनिन हाउ आई होप योर टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग बिकॉज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड नेचुरल जेंडर हिंदी ऑल्सो इज नेचुरल जेंडर What is by nature masculine is masculine. Chacha masculine hota hai, chachi feminine hota hai. Yeah. English mein. Brother is masculine, sister. Dog is masculine, which is feminine. German is not. German has got a grammatical gender. They have nothing to do with the natural gender. Usiliye, it is das Mädchen. They are Zari. The language. So when you learn German, they will ask you a question. What is table in German? Tisch. What is book in German? Das. You should always say what you said is correct. Das Buch. Der Tisch. You should not say Tisch, Buch. You won't learn German. Because article is part of the noun. See, when you learn Hindi, There is no help. German gives you help. Their leaders bata hai aapko masculine. I learn Hindi as a South Indian. I don't know how do I know chitti is feminine, pasri is masculine. Sigma aapka tha. That's why Hindi is very different. So stop telling the South Indian to come. You first learn a South Indian language. So, when you learn things, learn preposition. Don't learn just house by midterm, size, conjugate, and you know midterm. Sentence. Because one preposition can have different meanings. English में बोलते हैं waiting for my friend. कहते आप क्या करते हो अंग्रेजी जजमेंट में यही सेंटेंस तुम बनाते हो इक वाटे फियर मैंने फ्रेंड डे इक वाटे आउ इंग्लिश फॉर बिकम आउट कैन बी ऑल्सो ऑन तो प्रपोजिशन था देखिए वो पिछले साल मैं आया था पिछले साल दो तीन साल पहले ये बात हो रही सर जर्मन प्रपोजिशन तो बहुत अच्छी है ठीक है Stop that negative thinking. If I want to learn, I'll learn. That's all. Then I say, why? Oh, confusing it. My word, okay. You think Hindi is not confusing? See, my first question to you is, you know preposition, topicative, dative, gerundive, subsequent, no? Look. What is the difference between prepositions in Hindi and in German? I'm going to give you a What is the difference between Hindi preposition and German preposition? Can you tell me? So, sir, Angrezi preposition pehle aapne naam ki nahi Angrezi, Angrezi baat chhod yaar, German aur Hindi ki baat. German ki preposition pehle aati hai, aur Hindi ke baad aati hai. Right and wrong. Okay. Naam itni poori. Kaun bane, kaun banega crorepati mein? Amitabh bolega aapko 50% correct hai. क्यों करेक्ट जर्मन में प्रीपोजिशन कम्स बिफोर द नाउन इन हिंदी इफ इट कम्स आफ्टर द नाउन कैन यू कॉल इट प्रीपोजिशन पोस्ट पोजिशन इट इज पोस्ट पोजिशन हिंदी डजंट हैव पोस्ट पोजिशन ये पोस्ट पोजिशन को भी व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर प्रीपोजिशन वेयर इज द हिंदी इन हिंदी ग्रामर Where is the preposition? Where is it? In which part of the grammar? The cases. Cases, correct? Vibhakti. There are 8 vibhakti, Sanskrit Hindi. वो लोग क्या किया? उसको कम करके 4 cases बना दिए, बाकी 4 preposition वगैरह को push करके नया नाम दिए। We should know these basics. Then I said, Hindi. I learned Hindi. अब मैं जयपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर हूँ तो अनाउंसमेंट आ नई दिल्ली से जयपुर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस 10 मिनट में प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आने की संभावना है वो सुनते मैं डर के मारे पीछे आ गया क्यों वो बोली ना
ट्रेन इज कमिंग दस नंबर प्लेटफॉर्म पर, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, मैं डरता हूँ पीछे हट जाऊ। ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, रेल की पटरी पर आती है। पर जैसे मैं बोला दूसरा एग्जाम्पल, लैंग्वेज इज लाइक दैट। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन का क्या बोलते हैं, व्हाट इज हिंदी वर्ड, शाकाहारी। शाकाहारी लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, क्या नहीं खाते, चिकन, नॉन वेज, मांस, मीट, मांस। हिंदी में जवाब है, ठीक है, तो शाकाहारी लोग मांस नहीं खाते हैं, सच, मांस नहीं खाते हैं। आजकल के बच्चे छोड़, शाकाहारी लोग अकॉर्डिंग टू कल्चर मांस नहीं खाते। मैं इधर इतने शाकाहारी लोगों को जानता हूँ, मारवाड़ी है, जैन है, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो रोज दूसरे लोगों की भेजा खाते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू कम अक्रॉस ए न्यू वर्ड, लर्न इट ओनली इन अ सेंटेंस, नेवर सिंगल। Then what you have to learn is also to speak a language, pick up the sentences, repeat them. Don't construct your own language. Because you are doing that, what happens is, you learn German, कोई आपको oral exam में पूछता है, wie heißen Sie? आप मुस्कुराते, ich heiße Prakash. Learn the sentence, repeat it. That is the Sanskrit education. That's why slow to learn, repeat them. You don't change. Next, when you learn the word hunger, don't learn only hunger, they are hunger. No, ich habe hunger. That's one step. Second step, don't stop there. Try to tell the same sentence in 10 different ways without changing the meaning. Now, what you are doing is, ich habe hunger, say it. अब जीवन भर आप हमेशा बोलेंगे इखाबे उंगर, इखाबे उंगर, इखाबे उंगर। अब लोग बोलेंगे अरे वो इखाबे उंगर वाला आ रहा है। इखाबे उंगर, ich bin hungrig, ich muss schnell etwas essen, kannst du mir bitte schnell etwas zu essen geben, wenn ich jetzt nicht zu essen bekomme, dann werde ich sterben, mal schauen, variation, that's what every night. Not just one sentence. In every situation in life, you have to express the same thought in different ways. That's why I give you that example in the morning. Like, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, अच्छा sentence है, सीख लो, काम आए। पर जीवन भर वही sentence नहीं बना, सबके पास है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। पागल आदमी है, वही चेंज करो, मैं तुमसे प्यार, किसी को बोलो मैं तुमसे प्यार, किसी को बोलो मुझे तुमसे प्यार हो गया, किसी को बोलो मैं तुम्हारे बिना जी, किसी को बोलो तुम जॉब नहीं करता, किसी को बोलो मैं आम बंद करता हूँ, तुम्हें नजर आती हूँ, बोला स्टेटस सेंटेंस क्या है, जाके लड़की को बोलो क्या तुम मेरे बच्चों के बाप बनोगी, दिस इज लैंग्वेज, ट्राई टू लर्न वेरिएशन, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक। द नेक्स्ट थिंग इज लैंग्वेज लर्निंग कैन बी फन बट इट इज नॉट ओनली फन, लैंग्वेज लर्निंग इज समथिंग सीरियस। ही इज अ लॉयर आस्किंग यू, लॉ इज नॉट फन, लॉ इज नॉट फन। You know, Indians don't care for that. The only law every Indian is afraid of, the only law, you know which law? Mother-in-law. Germans, they respect law. Night 12 o'clock, signal, army kadaya hai, aadha diya hua hai, jhum raha hai, red hai, cross nahi kar. Nahi kar. That discipline we don't have. We don't follow traffic rules. But we talk about non-violence.
फेसबुक में डालोगे आई एम प्राउड टू बी इंडियन, फिर गले में जाके पेशाब करोगे, इज द प्राउड. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. सो व्हेन यू लर्न कैन बी फन. बेटे छुटिया यही प्रॉब्लम है, वो बोले सब फन है, वो बलून लाएंगे, कॉक मिलाएंगे, नाचो, म्यूजिक, वो टाइप ऑफ सीरियस सिचुएशन. लैंग्वेज ऑल्सो सीरियस, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट. आजकल फैशन, वो ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. हम बोलेंगे आयरवन भाई ने, विदाउट ग्रामर देयर इज नो लैंग्वेज, इट्स अ फाउंडेशन. You know the grammar, take it seriously. Then it takes time. Learning language takes time. Have patience. No shortcuts. No shortcuts. Because how did you learn your mother tongue? Did you learn it in 3 months? No? It took some years, no? 15 years, 16 years. Uske baad bhi theek nahi. So how do you expect to learn German in 6 months? Or in 2 months, huh? You'll have to put in a lot of effort. Buy a good dictionary. Aajkal sab ye online dictionary sab bulk kar. You need a hard copy dictionary. It should have at least 40,000 words in it. And don't use the dictionary in the beginning. But learn the sentence. Because I tell you, if you look at the German dictionary, any language, for one word there will be 20 meanings. You don't know what is the meaning. How to use it? If you take the word cricket, for you cricket is your game. For American, cricket is an insect. Cricket is an insect. Oh, Sampo, that's a cricket. So don't depend only on history. Dictionary will sometimes give a full sentence example. Buy such a dictionary. Have a good dictionary. And try to move into a monolingual dictionary. German, German. These are all steps which you have to take. And what is important is also, you have to practice every day. You ask yourself, how many of you are practicing every day? German, you are. Of school, there. कॉलेज गए रोज घर आने के बाद बैठ के रिवाइज किए क्या कितने लोग एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया ना अरे एग्जाम जिस अनदर बीमारी इंडिया में एग्जाम आ रहा है ना सब बंद कर दिए मतलब भूल ही जाएंगे नहीं 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 अभी अब तो मेरा एग्जाम अरे यार एग्जाम आ रहा है कॉलेज जाना बंद कर रहे क्या तू नहाना बंद किए खाना खाना बंद किए इज ऑल आर्टिफिशियल फियर्स एग्जाम इज ओनली पार्ट ऑफ लाइफ इफ यू लर्न एवरी डे आपने कभी सुना लता मंगेशकर आपको बोली मैं तो शुक्रवार को ही प्रैक्टिस करती हूँ बाकी दिन को मस्ती सुनील गावस्कर बोल प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट यू गो मस्ट इन मस्ट एवरी डे गो होम से नाउ रिवाइज व्हाट डिड आई लर्न व्हाट डिड आई अंडरस्टैंड नेक्स्ट डे गो टू द टीचर आस्क द क्वेश्चन लर्न फॉर द लाइफ Not for the exam. Exam is only a piece of paper. I know people who have done MA in German, but I know people who have done A2 in German. A2 fellow speaks better than you. Don't know how you speak. So this you will have to speak of, and this is what will help you, and you have to use the language also properly. If you don't use the language properly, there will be misunderstanding. Okay, I want to just give you 2 examples, then we can move to other questions or you can think whatever you want. German language ke alawa aisi kaun si language hai jo European Union mein sabse zyada matlab job ki agar wo leni ho German language ke alawa aisi kaun si language hai jo zyada leni hai? I would say at the moment Spanish. Spanish. Then French. First ke kaun si? First ke kaun si? German. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी नॉर्वे फिनलैंड उनमें भी जर्मन चल जाता है नहीं नहीं चलता वहां स्वीडिश बोलते हैं नॉर्वेजियन बोलते हैं इफ यू लर्न स्वीडिश यू विल गेट जॉब ओनली इन स्वीडन बट इफ यू लर्न स्पैनिश आप यूरोप से प्रो आगे इफ यू लर्न स्पैनिश
यू विल गेट जॉब इन स्पेन, यू कैन गेट जॉब इन बोलीविया, अर्जेंटीना और साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर स्पेनिश स्पीकिंग. यू लर्न फ्रेंच, यू कैन गेट ए जॉब इन फ्रांस, यू कैन गेट ए जॉब इन सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, मोरक्को, यू कैन गेट ए जॉब इन कनाडा, यू कैन गेट ए जॉब इन स्विट्जरलैंड. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. और जर्मन लैंग्वेज का मैप कितना है? मैप कितना है? मतलब मैप क्राइटेरिया कितना है जर्मन लैंग्वेज की? आप जर्मन सीख रहे हो? सोच रहे हैं. अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं. अगर आप मुझे बोलते सीख रही हूँ तो मैं बहुत गुस्से में आ सकता हूँ. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लिश्टेनस्टाइन, लग्जमबर्ग एंड सम ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दे स्पीक जर्मन. पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया. तो जर्मन हैज गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद जर्मन अनलेस यू आर सम अदर रीजन. अगर आप बोलेंगे ना मुझे तो फ्रेंच वाइन पीना, फ्रेंच शैंपेन पीना, फ्रेंच you should decide what you want. Don't do what the others are doing. That's the most important. Don't compare yourself to anybody. Aap apna profession de do. Aapke ideas ka inspiration de do. Aapko kar. See, suppose your problems are winter. So no, your health problem. Go to space. The weather is warm. You have to make a list and decide what. That's what you. सर, एक एनवायरमेंट इशू है, मैं बात करना चाहता हूँ. हम लोग अमेरिका रहते हैं, इंडिया के लोग सोचते ज्यादा है, कितने कम है. इससे एग्जाम्पल देता हूँ मैं. हाँ, जर्मन सीखने की चाह कम है लेकिन जर्मनी जाने के पैसे कमाने की चाह ज्यादा है. तो ये बात एक डिसएडवांटेज है. अगर हम जर्मन पे सिर्फ फोकस करेंगे तो आएंगे. जैसे कोई बंदा कह रहा है पैसे कमाने, आप कह रहे हो हार्डवर्क, हार्डवर्क करेगा तो पैसे खुद आएंगे. अगर पैसे को पीछे ला देगा पैसे नहीं है तो हमको कभी नहीं बोला हार्डवर्क करेंगे पैसे खुद आएंगे. पैसा खुद नहीं आएगा, खुद नहीं आएगा. आपको 15 लाख आया क्या अकाउंट में? पैसे खुद नहीं आया. हार्डवर्क करोगे तो पैसे आने की संभावना है, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो पैसे नहीं. मतलब जर्मन के जो फोकस है वो जर्मन पे होना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी. आप जो भी कर रहे हो ना भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी एंड कथकली साइमल्टेनियसली. यू कैन लर्न टेनिस, बैडमिंटन एंड क्रिकेट सेम टाइम. नो, you will get confused. Learn one language at a time. Single focus rakhna hai. No multitasking. Ghoda chalta hai na race mein. Wo idhar udhar dekhta hai kya? No. Seedha dekhta hai baat. Wo that is life. English language kyun bhi prominent hai European Union countries mein? English language kyun? Prominent nahi matlab uska itna use kam kyun hai baaki yani jiske mukable European Union mein. साउथ इंडिया में हिंदी क्यों नहीं प्रोमिनेंट है? उसकी हिस्ट्री अलग है ना. वही उनका बॉन्डिंग भी नहीं है नॉर्थ की जो ये स्टेट्स हैं. लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है वो हमेशा अपनी वेस्टर्न वो जो अमेरिका की वो है कंटिनेंट उससे हमेशा जुड़ा रहता है. नहीं नहीं नहीं, इसकी पॉलिसीज जुड़ी रहती है उससे. नहीं नहीं, एक बात समझिए, ये जो हम वेस्ट बोलते हैं ना इंडिया में, इज अ रॉन्ग वर्ड. वेस्ट हम बोलते हैं, सोचते हैं इंग्लैंड और अमेरिका. दैट इज नॉट बेस्ट. बेस्ट इज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू वन थिंग, आई कम टू दैट फॉर द बेस्ट. यूरोप हैज एंटायरली डिफरेंट हिस्ट्री दैन इंग्लैंड. वॉज नेवर पार्ट ऑफ यूरोप. इवन टूडे यूरोपियन थिंग इंग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप. यू नो दैट्स व्हाई यूरोप क्विट द यूरोपियन.
ऑल यूरोपियन कंट्रीज दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज देयर ओन कल्चर. तो इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर देम. दैट इज व्हाई इंग्लिश इज नॉट बट नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन American English is entering Europe. It's becoming important. In Europe, people don't care for British English. American English, yes, because there's opportunity, globalization. बहुत सारे जर्मन बच्चे आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं. ओके, बट इंग्लिश इज क्लियर फॉरेन लैंग्वेज. नो वेयर दे ऑल आर देयर लैंग्वेज. यू नो इवन टूडे द यूरोपियन यूनियन हैज प्रॉब्लम्स. Then they formed it. I said it will not be successful because French and German aapas mein aaj bhi ladte hain because space. In fact, because both are proud as a country. Okay, so European Union is only an idea. It won't come together. See, I was on a train from Paris to Germany. It passes through Strasbourg, the last French station. उसके बाद जर्मनी शुरू हो गई. गाड़ी पैरिस में निकली. रास्ते में 2 घंटे की देरी हो गई. ठीक है, इन स्ट्रासबर्ग द जर्मन रेलवे दे टेक चार्ज. द टीम चेंजेस.